हेलो बच्चों अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास शायद एजुकेशन पॉइंट तो बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं सर हमारी फिफ्थ सेमेस्टर की क्लास कब अपलोड करोगे तो माय डियर इंतजार खत्म आई एम विद यू नाउ बट 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 आपको ऑलरेडी पता है कि थर्ड सेमेस्टर की क्लास और सेकेंड सेमेस्टर की क्लास उनका एग्जाम भी आने वाला है तो आई हैव टू थिंक फॉर देम एज वेल राइट तो पहले हफ्ते में खाली संडेज को आपके लिए क्लास होगी

टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है लेकिन आज की क्लास खाली इंट्रोडक्शन होगी आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है आपको कैसे पढ़ना है और किस लेवल से पढ़ना है ठीक है तो सिंस आपका एम सी क्यू बेसड नहीं होगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा कैसे लिखना है कितना लिखना है और किस तरह से लिखना है सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे तो जुड़े रहें अपने शाहिद सर के साथ हाँ बेटा बहुत सारे ऐसे बच्चे अभी भी, भी हैं जिन्होंने शायद सर की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आपको ये वीडियो एंड तक पसंद आता है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी करो और ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करो द ओनली थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर शायद सर इज शेयर बिकॉज एज यू नो शेयरिंग इज़ केयरिंग ओके नाउ कमिंग कमिंग टू टू द द टाइटल अगर हम टाइटल की बात करेंगे हमारा जो टाइटल है पेपर का फिफ्थ सेमेस्टर का दैट इज इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन राइट डियर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत मजा आने वाला है और बहुत ईजी है एंड सो फार एज एजुकेशन स्टूडेंट इज कंसर्न उसको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए ठीक है तो जब हम अपने स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन को देखेंगे देखो तीन चीजें भाई आपको याद रखनी है यू हैव फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर राइट प्राइमरी स्ट्रक्चर देन आफ्टर दैट यू हैव सेकेंडरी स्ट्रक्चर राइट सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड देन यू हैव डियर हायर एजुकेशन प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन इट ऑल्सो कॉल्ड एजुकेशन राइट डियर तो यही चीजें क्या इशूज है प्राइमरी एजुकेशन को लेकर वो बात करनी है क्या इश्यूज है कौन से प्रॉब्लम है किस तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे कहां पे सेकेंडरी एजुकेशन में तो उस पर बात करेंगे इसी तरह हायर एजुकेशन को अगर हम देखेंगे हायर एजुकेशन में कौन सी प्रॉब्लम्स है कहां कहां प्रॉब्लम्स है एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम है एडमिशन में प्रॉब्लम है बहुत सारी इवेल्यूशन में प्रॉब्लम है बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है तो ये हम बात करेंगे तो इन्हीं को कहते हैं क्या वट आर द डिफरेंट इश्यूज़ एंड वट आर द डिफरेंट ट्रेंड्स इन टूडेज कंटेप्रेरी इंडियन एजुकेशन फर्स्ट तो जब सिक्स सेमेस्टर होगा वहां पे आपको पार्ट सेकंड पढ़ना है वहां पे हमारा हाँ, यहां पे अगर हम फोकस देखेंगे फोकस किस पे यहाँ पे होगा एक यहां पे आपको देखना है सेकेंडरी एजुकेशन में कौन से इश्यूज एंड ट्रेंड्स हैं ठीक तो पहले चैप्टर में आज हम एनालिसिस करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है आज की क्लास जो है बिल्कुल सिंपल होने वाली है और इट विल टेक जस्ट फाइव टू टेन मिनट्स तो नेक्स्ट संडे इन आई एम टेकिंग अ फुल टॉपिक बिलोंग्स टू सेकेंडरी एजुकेशन एंड माई डियर आपके सिलेबस में प्राइमरी एजुकेशन नहीं है होना चाहिए था होना चाहिए था बट नहीं है क्या करी तो आपको क्या पढ़ना है आपको सेकेंडरी एजुकेशन पढ़नी आपको हायर एजुकेशन पढ़नी है आपको वैल्यू एजुकेशन पढ़नी है आपको वुमेन एजुकेशन पढ़नी है बहुत 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 अच्छे टॉपिक्स है ठीक है ना बेटा तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर वन की एनालिसिस करते हैं मैं यहां पे आज मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि आज कोई टॉपिक नहीं होगा आज हम थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे यूनिट नंबर वन से तो यूनिट नंबर वन जो हमारा है व्हाट इज ऑल अबाउट सेकेंडरी एजुकेशन तो हम पहले इसमें क्या करेंगे हम पहले आपको अच्छी तरह से समझाएंगे कि सेकेंडरी एजुकेशन का मीनिंग क्या है बहुत सारे कमीशनज ने कौन कौन से डिफरेंट एजेस रखे हैं सेकेंडरी एजुकेशन के को लेकर क्या स्ट्रक्चर है सेकेंडरी एजुकेशन व्हाट इज़ द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हम रिलेट करेंगे बहुत सारे कमीशनस को लेकर ठीक है ना बेटा बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा बहुत बच्चों को लग रहा है कि ये ड्राई है माय डियर ये इतना मज़ेदार टॉपिक है इतना मज़ा आपको आएगा कि पूछो मत ठीक है ना बेटा तो सेकेंडरी एजुकेशन का मीनिंग हम आपको बताएंगे सेकेंडरी एजुकेशन का स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर क्या कौन कौन से जबरदस्त रिकमेंडेशन है वो भी हम आपके साथ बात करेंगे ठीक नंबर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट आर द ब्यूटिफुल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन वाई ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वाई ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तो these are the जब भी आपको कोई काम करना होता है ना काम करने से पहले आप अपने माइंड में करना चाहिए। तो work, work तो हमें पढ़ना है, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्यों सेकेंडरी एजुकेशन जरूरी है तो दीज आर दिस कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिस इज सेकेंडरी एजुकेशन नंबर सेकेंड वॉट इज द प्रेजेंट स्टेटसपे हम खुद बात करेंगे आपने भी में पढ़ा है आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे तो व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन प्लस हमारा आज का स्टेटस क्या है सेकेंडरी एजुकेशन का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है एग्जामिनेशन रिफॉर्म कैसा है इवेलुएशन कैसा है प्रेजेंट एनरोलमेंट कैसा है समझ आया तो कितने ज्यादा हाई स्कूल्स और हायर सेकंडरीज मतलब एस्टैब्लिश किए गए कितना उनमें एनरोलमेंट है एग्जामिनेशन को लेकर क्या स्टेटस है तो ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बहुत मजा आने वाला है ठीक है तो दिस इज प्रेजेंट स्टेटस हमें आज का आज का जो प्रेजेंटली 2020 ट्वेंटी की हम भी बात करेंगे हम आपको नया Uh, जो न्यू नॉलेज uh, है रिलेटेड टू द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ जो किताबों में आज से um, सात साल आठ साल नौ साल लिखा है वो हम बात नहीं करेंगे प्रेजेंटली प्रेजेंट व्हाट इज द प्रेजेंट पोजीशन व्हाट इज़ द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन वो हम आपके साथ बात करेंगे एंड इसी तरह द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटिफुल थिंग दैट इज़ इन द सेकेंडरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की बात अगर हम करेंगे तो वहां पर जोर दिया गया है वोकेशनलाइजेशन ये वोकेशनलाइजेशन बेसिकली है क्या इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं क्या ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे भाई वोकेशनलाइजेशन का मतलब क्या है इसमें प्रेजेंट प्रॉब्लम्स क्या है प्रॉब्लम्स को दूर कैसे करेंगे और कौन कौन से चैलेंजेस है वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन education में तो वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लेकिन आने वाले वीडियोस में एंड लास्ट माय डियर देर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो किसके लिए है कि सेकेंडरी एजुकेशन को किस तरह से हम अच्छा बनाए तो उसके लिए बेटा है रमसा राष्ट्रीय मध्यमिक शिक्षा अभियान ये हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे इसके बारे में आपको क्या पढ़ना है इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑबजेक्टिव क्या है और इंप्लीमेंटेशन तीन चीजें वन इज द इंट्रोडक्शन अनदर इज ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज माई डियर इंप्लीमेंटेशन सो दिस इज यूनिट नंबर फर्स्ट इनशाला नेक्स्ट कमिंग संडे जो आएगी ना तो उस पर हम बात करेंगे सेकेंडरी एजुकेशन पे टिल देन बेटा गुड बाय थैंक यू और अगर इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो गलत कर रहे हो बिकॉज हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी है गिव थम्स अप ओके okay? एंड अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो प्लस शेयर तो आप बिल्कुल करोगे क्योंकि शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट द ओनली थिंग दैट यू कैन डू फॉर यूर शैसर इज शेयरिंग थैंक यू मेला ब्लेस यू एंड कीप ऑल लर्निंग